वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो आइए हम लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं फॉर SAP MM। और हमको ऐसा लगा, मतलब मुझको ऐसा लगा कि लेक्चर्स थोड़े बोरिंग हो रहे हैं। आई थिंक आप भी एग्री करते होंगे। तो हमने सोचा, क्या सोचा? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो करते हैं कुछ प्रबंध। देन एक बात से तो आप लोग भी एग्री करोगे कि अगर आप SAP MM अगर मॉड्यूल एस सेलेक्ट कर रहे हो तो मैं ऐसा सपोज कर सकता हूँ कि या तो आप मैकेनिकल मैकेनिकल ब्रांच से होंगे या फिर आप सिविल ब्रांच से होंगे। तो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है एज इन मैकेनिकल इंडस्ट्री और एज इन वर्किंग इन अ सिविल सेक्टर, कि एक वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है और वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू IT। अगर आपके दोस्त अगर कोई IT में IT सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं तो उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस भी हमसे अच्छा होता है, ठीक है। तो एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है IT में स्विच कर सकते हैं SAP MM मॉड्यूल सीख के, राइट। तो आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे, तो वो लोग भी जो है स्विच कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को सीख के, इसको लर्न करके इन IT सेक्टर। सो अर्लियर मैं भी जो है मैकेनिकल इंडस्ट्री में ही वर्क करता था एज अ क्वालिटी 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 सुपरवाइजर, एज अ GET इन अ क्वालिटी, एज अ क्वालिटी इंजीनियर। वो एक रबर इंडस्ट्री थी। सो फाइनली जो है मैंने भी स्विच किया है फ्रॉम देयर टू SAP MM, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि उतने ही टाइम में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सैलरी हाइक भी अच्छा मिल रहा है और ग्रोथ भी उन लोगों का एज़ कंपेयर टू मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है अच्छा है। तो आप में से कुछ लोग हैं वो ये बोलेंगे अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। सो इट्स ऑल्सो फाइन। सो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। सो ERP पर लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जो है क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लेक्चर वन और लेक्चर सेकंड में जो है पढ़ा है, राइट। तो चलते हैं अपने SAP लॉग ऑन सर्वर पर। यस, सेलेक्ट योर सर्वर, लॉग इन, यूजर ID जो आपके सर्वर ने प्रोवाइड की है, पासवर्ड, देन ये है लॉग इन करने का तरीका। और मैंने आपको बताया था ये है SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। इसके अंदर टोटल चार एरियाज होते हैं, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार एंड एप्लीकेशन टूल बार, ओके। और मैंने आपको चार तरीके बताए थे लॉग ऑफ करने के। एक होता है कि आप डायरेक्ट इसमें जो स्टैंडर्ड टूल बार में जाइए और लॉग ऑफ आइकॉन में जाकर लॉग ऑफ कर दीजिए। एक होता है कि मेन्यू बार में जाइए, सिस्टम में जाइए और यहाँ से जाके लॉग ऑफ कर दीजिए। और एक होता है इन द कमांड प्रॉम्प्ट आप यूज कीजिए /NEND एंड /NEX। सो जो /NED होता है उससे आप एक स्टेप में जो है लॉग आउट कर सकते हैं। वो पॉपअप मैसेज नहीं आएगा कि डू यू वांट टू लॉग ऑफ और नॉट, राइट। जैसे कि अगर हम /NEX यूज करते हैं तो देखो पॉपअप मैसेज नहीं आया, ठीक है। फिर से एक बार लॉग इन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि जो यूज होता है /N का, /N फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड का एंड /O फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड का। तो /N से हम जो है वापिस इजी एक्सेस स्क्रीन पर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ME21N यूज़ करता हूँ ट्रांजेक्शन कोड,
और देखो मेरी क्रिएट परचेज ऑर्डर स्क्रीन ओपन हुई है। अगर मुझे वैक एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन पर जाना है तो मैं स्लैश एन यूज करूंगा एज अ ट्रांजेक्शन कोड, राइट। तो देखो मैं दोबारा से एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन पर आ गया। पर अगर मेरे को दूसरा अगर कोई ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है, लेट सपोज मैं जो है परचेज रिक्विजिशन का M51N परचेज रिक्विजिशन का ट्रांजेक्शन कोड यूज कर रहा हूँ, तो देखो मेरा क्रिएट परचेज रिक्विजिशन की स्क्रीन ओपन हो गई है। पर अगर मेरे को अभी एक ही स्टेप में अगर करना है, मेरे को एक ही स्टेप में परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन करनी है, तो मैं यूज करूँगा स्लैश एन फॉलोड बाय परचेज ऑर्डर फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड स्लैश एन फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड वेयर यू वॉन्ट टू गो स्लैश एन फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड जहाँ आप जिस ट्रांजेक्शन कोड को यूज करना चाहते हो, इस केस में M21N है, राइट। देखो डायरेक्टली जो है परचेज ऑर्डर जो है क्रिएट परचेज ऑर्डर स्क्रीन ओपन हो गई है, ओवरराइड करके परचेज रिक्विजिशन स्क्रीन को ओवरराइड करके क्रिएट परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो गई है। वही अगर मैं चाहता हूँ कि ओवरराइड ना हो, परचेज रिक्विजिशन की स्क्रीन भी खुली रहे और परचेज ऑर्डर की स्क्रीन भी खुली रहे, तो मैं यूज करूंगा स्लैश ओ फॉलोड बाय ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेविगेशन हम कैसे करते हैं। तो अगर समटाइम्स क्या होता है कि हमको जो है ट्रांजेक्शन कोड्स नहीं याद रहते हैं, तो उस केस में भी हम नेविगेशन से अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं लॉजिस्टिक में जाता हूँ, मेटेरियल मैनेजमेंट में जाता हूँ, परचेजिंग में जाता हूँ, परचेज ऑर्डर यहाँ से डायरेक्टली मैं क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग ट्रांजेक्शन कोड ME21N, बिना यूज करे ट्रांजेक्शन कोड ME21N कमांड प्रॉम्प्ट में मैं क्रिएट परचेज ऑर्डर स्क्रीन को ओपन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन, राइट। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकता हूँ, ME24, ME23, ME22, और मैं नेविगेट वैक भी कर सकता हूँ, नेविगेट वैक, राइट। और मैं जो है अपना एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन कोड्स को लिखूँगा। तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा में जाना है, सेटिंग में जाना है, एंड सॉरी फेवरेट में जाना है आपको, इन द मेन्यू बार आपको फेवरेट में जाना है, उसके बाद इंसर्ट फोल्डर करना है पहले, तो उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। मैं न्यू फोल्डर कर देता हूँ, ये सब हमने पहले किया है, ओके। सो अगर हमको इसके अंदर ऐड करना है ट्रांजेक्शन कोड तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं नेविगेशन के थ्रू, लाइक लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज रिक्विजिशन। अगर मुझे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं इसको यहाँ से न्यू फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, फोल्डर को सेलेक्ट करना है, मेन्यू बार में जाना है, फेवरेट में जाना है, डिलीट कर देना, ठीक है। नेविगेटिंग वैक, ठीक है। तो सिंगल स्टेप में अगर मुझे लॉग ऑफ करना है तो मैं कौन सा ट्रांजेक्शन कोड यूज करूंगा, वेरी गुड, स्लैश एन ई एक्स एंटर। तो ये हमने दो लेक्चर्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने जो है एज अ स्टूडेंट धर्मा उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो लेक्चर थर्ड में हम पढ़ते हैं कि ERP क्या होता है। तो ERP होता है आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये है फुल फॉर्म। अदरवाइज ERP इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज फॉर एनी इंटरप्राइजेस। ERP एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी इंटरप्राइजेस में यूज हो सकता है। एंड व्हाई द इंटरप्राइजेस आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइजेस इस सॉफ्टवेयर को यूज क्यों करते हैं। सो इंटरप्राइजेस यूज ऑफ रिसोर्सेज विद प्रॉपर प्लानिंग टू अचीव देयर टारगेट एंड गोल्स। उनके जो रिस्पेक्टिव टारगेट एंड गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए वो ERP जो है यूज किया जाता है, जिससे कि उनका सिस्टम स्मूथली वर्क करे। तो एज इन द मार्केट द बेस्ट ERP टूल जो है वो SAP है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ERP टूल्स हैं,
बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, मोर देन 80% ऑफ कंपनीज में SAP एज ए ERP यूज होता है. सो कौन कौन सी कंपनियां जो हैं ERP यूज करती हैं, लाइक स्टील प्लांट, HPCL, BPCL, बालको, मारुति, होंडा मोटर्स, ये सारी जो बिग कंपनीज हैं सारी जो है SAP एज ए ERP यूज करती हैं, जिससे कि उनका सिस्टम जो है स्मूथली फंक्शन करे, राइट. तो कौन कौन से ERPs हैं अभी मार्केट में? SAP जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ERP है जो हम कह सकते हैं, ठीक है. और Oracle है. आप में से कुछ लोग Oracle के बारे में जानते भी होंगे, हो सकता है यूज भी किया हो. मेरी भी कंपनी में Oracle यूज होता था, जो मेरी लास्ट कंपनी थी उसमें Oracle यूज होता था. PeopleSoft है, JD Edward है, Microsoft Great Pain है. तो ये सारे जो हैं ERPs हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि जो Oracle है वो डेडिकेटेड था डेटाबेस मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए. जो PeopleSoft था वो डेडिकेटेड था HR बेस्ड एक्टिविटीज के लिए. बट SAP के केस में ऐसा नहीं है, ये डेडिकेटेड है ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए. ये जो है बनाया गया है ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए, राइट. जैसे कि आपने जो है IRCTC का, तो आप में से हर किसी ने यूज़ किया होगा टिकट बुक करने के लिए रेलवे में. IRCTC का यूज़ आप में से हर लोग ने किया होगा. तो IRCTC जो है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है. रेडबस जो है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है. बट SAP जो है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है. ये किसी भी एक्टिविटीज़ में जो है यूज़ किया जा सकता है. लाइक अगर कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री हो ये वहाँ भी यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो ये वहाँ भी यूज हो सकता है. यही द मेन रीज़न है, क्योंकि यह जो है हर टाइप की इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है. यही रीज़न है कि मोर देन 80% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है SAP को एज ए ERP यूज़ करती हैं, ठीक है. सो व्हाट डज एन ERP कंटेन? एक ERP में व्हाट डज इंटरप्राइजेस कंटेन, सॉरी. तो इंटरप्राइजेस में क्या क्या होता है? HR डिपार्टमेंट होता है, MM डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एंड प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है. तो सबके अपने अपने वर्क्स होते हैं, रिस्पेक्टिव सबके अपने अपने वर्क्स होते हैं. जैसे HR डिपार्टमेंट है, उसका काम है कि हायरिंग करना, रिज्यूमेस को चेकआउट करना, राइट कैंडिडेट्स के रिज्यूमेस को जो है सेलेक्ट करना, उनको बुलाना फॉर इंटरव्यू, HR राउंड लेना, देन आफ्टर जो है सैलरी का डिस्कशन करना, सैलरी क्रिएट करना, सैलरी स्लिप बनाना. सो ये सारे जो हैं काम होते हैं HR के. ऐसे ही जो है मटेरियल डिपार्टमेंट के काम होते हैं. लाइक अगर कोई स्टील कंपनी है तो उनको जो है रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी फिनिश स्टील बनाने के लिए. तो इस चीज़ को कौन देखेगा? मटेरियल डिपार्टमेंट देखेगा, राइट. ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. जैसे कि अगर रॉ स्टील आई तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा टू द फिनिश प्रोडक्ट, तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है. जैसे कोई रबर कंपनी है तो उसमें डिज़ायर प्रोडक्ट को बनाना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है. टारगेट को अचीव करना प्रोडक्शन के को, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है. ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट होता है. आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट उसको हमको सेल भी करना है, तो इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक एंटरप्राइजेस में. क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है, वो इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो एज़ पर कस्टमर्स नीड होना चाहिए, ठीक है. फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है. SD और MM ये दोनों जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इंटीग्रेटेडली काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, राइट. एंड PM प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है. आप में से कोई बता पाएगा प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सो उनका काम होता है जैसे कि कंपनी अगर कोई प्रोडक्शन कर रही है तो उसके अंदर मशीन्स हैं, वो रनिंग करेंगी.
अगर वो रनिंग करेंगी तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी इंटरप्राइजेज में, ठीक है। तो अब एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं कि अपना एसएपी कैसे बना। तो क्या था कि 5 दोस्त थे, वो उस टाइम पर यंगस्टर्स थे और वो जो है आईबीएम में वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे डेडिकेटेड एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक रेलवे में हम आईआरसीटीसी का यूज़ करते हैं, रेड बस का यूज़ करते हैं फॉर बसेस टिकट बुक के लिए। सो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि डेडिकेटेड ना हो, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली वर्क कर सके। देन उन्होंने जो है एसएपी को फॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की कि क्या क्या वर्क होता है इन एचआर डिपार्टमेंट, क्या क्या वर्क होता है इन एमएम डिपार्टमेंट, क्या क्या वर्क होता है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सेल्स डिपार्टमेंट, इन क्वालिटी डिपार्टमेंट, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। उन्होंने इसको इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसके बाद एज पर दैट अकॉर्डिंग उन्होंने जो है एसएपी को डेवलप किया। सो ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो जाता है और ये बहुत स्मूथली वर्क करता है एसएपी, राइट। आप मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हो, आप किसी भी जहां पर भी ईआरपी का यूज है वहां आप किसी भी इंडस्ट्री में एसएपी को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एसएपी के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक एचआर, एमएम मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल, एफआई फाइनेंस मॉड्यूल, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, ये सारे मेन मॉड्यूल होते हैं। टेक्निकल मॉड्यूल्स भी होते हैं जो कि ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल हैं। टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं जो उनका काम होता है प्रोग्रामिंग करना, एबैप कंसल्टेंट होते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में बस आपको चस्का लगाना होगा एसएपी का, स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको चस्का लगाना होगा, उसके बाद आप देखोगे कि आपको एसएपी आपके फेवरेट मूवी से ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे को नहीं, वीडियोस देखनी, मुझे लेक्चर्स देखने, मुझे प्रैक्टिस करनी है। और बिलीव मी ये जो है आपका जो है बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है एसएपी। आपको आईटी सेक्टर में जॉब दिला सकता है बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे, बहुत अच्छी पोजीशंस पे, राइट। सो स्टार्टिंग में आपको चस्का लगाना होगा, फॉर 1 वीक आपको चस्का लगाना होगा। उसके बाद आप देखोगे यार इतना इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है कि आप जो है आपको चस्का लग जाएगा। क्या दीदी? अब तो चस्का लग गया है। हाँ, चस्का तो लग गया है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द इंटरव्यू एंड एज पर द ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम कि 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है और हम एसएपी को 3 टायर आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एसएपी को 3 टायर आर्किटेक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 सर्वर होते हैं। वन इज द प्रेजेंटेशन सर्वर, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सर्वर एंड थर्ड वन इज द डेटाबेस सर्वर। एकदम ध्यान से सुनना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूअर इसको पूछ लेते हैं, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन सर्वर, देखो मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, उससे आप इजिली जो है कनेक्ट कर पाएंगे। आप सब में से आप सभी लोगों ने आईआरसीटीसी पे एटलीस्ट एक बार तो टिकट बुक की होगी, ओके। तो जब आप आईआरसीटीसी पे जाकर टिकट बुक करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आप आईआरसीटीसी की साइट ओपन करते हो, आप फिल करते हो फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, जो आपका पेज ओपन होके आता है जहां पर आप फिल करते हो फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, तो वो होता है आपका प्रेजेंटेशन सर्वर, ओके। आईआरसीटीसी भी 3 टायर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। तो जहाँ पर फ्रॉम स्टेशन टू टू स्टेशन जो आप फिल करते हो,
जो आप अपना इनपुट देते हो उसको कहते हैं आपका प्रेजेंटेशन सर्वर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशंस देते हो, आपका एज, आपका नेम, सारी इंफॉर्मेशंस देते हो इन द प्रेजेंटेशन सर्वर। देन आप करते हो ओके, तो जो रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है एट द बैक एंड, उसके अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट को ले जाता है प्रेजेंटेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर पे, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। दोबारा बताता हूँ आपको, देखो आप जाते हो IRCTC की साइट खोलते हो, वहाँ पे फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन फिल करते हो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हो, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन सर्वर। उसके बाद आप सेव कर देते हो तो IRCTC आपको PNR नंबर जो है दे देता है, वो आपका मेल पे भी आ जाता है और मैसेज पे भी आ जाता है ओके, और वो उसके प्रिंट आउट कॉपी पे भी होता है। तो ये जो PNR नंबर जो होता है जहाँ पर आपका ये सेव होता है, आपका टिकट जाके सेव होता है जहाँ पर, उसको हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। और एट द बैक एंड कुछ प्रोग्रामिंग तो होगी ना यार, जिससे कि वो इजीली इतना वर्क कर रहा है, आप तुरंत अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, एंटर कर रहे हो, ओके कर रहे हो, उसके बाद वो जो है आफ्टर पेमेंट जो है PNR नंबर जनरेट करके दे दे रहा है। तो एट द बैक एंड कुछ यार एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग तो होगी ना, तो उसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। और जहाँ पर ये सेव होता है आपका टिकट उनके सर्वर में, उसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, प्रेजेंटेशन सर्वर से ले जाकर इंफॉर्मेशन को डेटाबेस सर्वर में जो है भेज देता है रिक्वेस्ट को ओके। सो अब हम देख लेते हैं कि SAP जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर कैसे है। देखो अब हम खोलते हैं अपना SAP इजी एक्सेस स्क्रीन, SAP लॉग ऑन। यस अपना सर्वर सिलेक्ट करना है, लॉग ऑन पर जाना है, यूजर आईडी दी होगी आपके सर्वर प्रोवाइडर ने। और हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, सर्वर आपको परचेज करना ही होगा। मैंने जिस सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो 1000 में 3 मंथ के लिए लिया है। मैं जो है इसका डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर पिन कर दूंगा और एक दो और सर्वर प्रोवाइडर का जो है नंबर पिन कर दूंगा। और प्लीज़ डोंट थिंक कि मेरा कोई उनसे कोई वो है, आप डायरेक्टली उनसे बात करो, मेरा नाम मेंशन भी मत करना। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 1000 for 3 month का प्लान है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस के लिए आपको सर्वर लेना ही होगा, बस आपको ये 1000 rupees का इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज टोटली कोर्स मेरी तरफ से आपके लिए फ्री है, राइट। सो मैं दो तीन नंबर जो है आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपको उसको जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आप जो है डेली अपना होमवर्क जो है सेंड कर सकते हो। लेट सपोज जो आपका स्टूडेंट धर्मा होता है वो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो डेली, कि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो आपको उसका स्क्रीन शॉट्स जो है डेली आपको वहाँ सेंड करना है। और मैं वहाँ पर नंबर भी जो है मैंसन कर दूँगा इन दैट टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जाना है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप जो है कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे, आप बस वीडियो देखोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे। और द फर्स्ट थिंग आपको करनी है, सबसे पहले आपको सर्वर परचेज करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। SAP में SAP MM मॉड्यूल बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, बिलीव मी और नॉट, बहुत ईजी है। और आपके लिए बहुत अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, राइट, इंटरेस्टिंग वे में। और मैं कोशिश करूँगा कि अब से सारे लेक्चर जो है डेली अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि आपको जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, अगर आपको कंसिस्टेंस रहना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेरे को आप बस 2 महीने दे दो, 2 महीने में आप SAP MM में उस लेवल पे होंगे जहाँ पर जो है एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जिनका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, आप उस लेवल पे होंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं कैसे ये जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं ME21N, राइट। तो ये जो क्रिएट परचेज ऑर्डर की जो स्क्रीन ओपन हुई है, ये है आपकी प्रेजेंटेशन सर्वर। क्या है? प्रेजेंटेशन सर्वर। तो यहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा, वो आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा कि परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये थ्री टायर आर्किटेक्चर क्यों है। तो मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है KRP1 कोड, वेंडर परचेज ऑर्ग, जीरो जीरो वन आइटम ऑफर व्यू मटेरियल सिलिकॉन क्वांटिटी 100 नेट प्राइस 10 प्लांट KR02 01 स्टोरेज लोकेशन एंटर डिलीवरी डेट, मुझे 12 से आगे की रखनी होगी, 13 कुछ भी रख सकता हूँ आगे की डेट। सो आई सेलेक्टेड 13। ओके, नेट प्राइस फॉर आइटम अडॉप्टेड फ्रॉम लास्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये है मैंने अपनी जो है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी। तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन सर्वर। अब मैंने इसको किया सेव। डू यू वॉन्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट और प्रोसेस डेटा? सेव। नाउ लुक, सिस्टम ने, SAP सिस्टम ने एक स्टैंडर्ड PO नंबर जो है जनरेट कर दिया, ठीक है, 881 Q4 6 11। तो ये जो है मेरा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर नंबर के साथ डेटाबेस सर्वर में सेव हो जाएगा, ठीक है। जहाँ ये था मेरा प्रेजेंटेशन सर्वर, और जहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर नंबर स्टोर हुआ है विथ प्रॉपर ऑल द डिटेल्स, वो है मेरा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। मैं उसको किसी भी टाइम जो है ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन सर्वर, जहाँ पर ये स्टोर हुआ आपका स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर नंबर, उसको कहेंगे आपका डेटाबेस सर्वर। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। तो आपको मेन्यू बार में जाना है, सिस्टम में जाना है, स्टेटस में जाना है। ये देखो, ये जो प्रोग्राम है, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लुक, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके लिए है पर्टिकुलर जो हमने अभी परचेज ऑर्डर अपना क्रिएट किया है। तो ये जो प्रोग्राम है वो है अपना एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। ऐसे ही IRCTC के अंदर भी होगा उनकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप जाते हो उसमें कैश निकालने के लिए ATM में, तो इजीली आप निकाल पाते हो। कैसे निकाल पाते हो? क्योंकि एट द बैक एंड जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वहाँ भी होती है, एप्लीकेशन सर्वर वहाँ भी होता है, राइट। सो मैं बैक कर लेता हूँ, और इस सब के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टास्क नहीं है, ये हमको नहीं सीखना है प्रोग्रामिंग, ये एडब कंसल्टेंट का काम है, वो हमको करके देगा, ठीक है। देख के डर नहीं जाना इसको, इंक्लूड ये क्या क्या लिखा हुआ भाई, है करना नहीं है हमको, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। बैक बैक, एक स्टेप में कोई बताएगा मैं कैसे लॉग आउट करूं? वेरी गुड,
तो हमने जाना कि SAP जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है, इसलिए हमको उसको कहते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर. वन इज़ द प्रेजेंटेशन सर्वर वेयर वी प्रोवाइड इनपुट. एप्लीकेशन सर्वर इट विल टेक द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट बाय कनेक्टेड टू डेटाबेस. मैंने आपको दिखाया भी एप्लीकेशन सर्वर क्या है. डेटाबेस सर्वर दिस इज वेयर द डेटा इज हैंडल्ड और स्टोर्ड. तो मैंने आपको दिखाया कि वो परचेज ऑर्डर नंबर जो था जहाँ स्टोर हो रहा था वो था आपका डेटाबेस सर्वर. तो अगर आप इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे विद एग्जाम्पल. SAP ऑल्सो रन ऑन थ्री टायर आर्किटेक्चर. और हाँ, कभी कभी थ्री टायर आर्किटेक्चर को हम ऐसे भी लिख देते हैं SAP R3, SAP R/3 बी कॉल SAP S SAP R/3, जहां पर R स्टैंड होता है फॉर रियल टाइम एंड 3 स्टैंड होता है फॉर थ्री टायर आर्किटेक्चर. नाउ अब बात कर लेते हैं SAP वर्जन की. देखिए जो कंपनीज हैं अभी भी मैक्सिमम जो है ECC 6.0 यूज करती हैं, ठीक है. जो SAP हाना पर भी कंपनियां आई हैं तो पहले वो भी तो ECC 6.0 ही यूज कर रही थी. जो उन्होंने हाना पे जो है स्विच कर लिया है तो वो भी पहले ECC 6.0 यूज कर रही थी, और हम भी जो है ECC 6.0 ही सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. मोस्टली कंपनीज में अभी भी ECC 6.0 ही यूज हो रहा है, वो एडोप्ट कर रहे हैं हाना पर, ठीक है. सो ECC का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स ECC ERP सेंट्रल कंपोनेंट. ECC का सॉरी ECC का फुल फॉर्म होता है ERP सेंट्रल कंपोनेंट, और ERP का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया. एंड EHP इज अ एनहेंसमेंट पैकेज. देखो हम यूज कर रहे हैं ECC 6.0 वर्जन. उस ECC के अंदर काफ़ी सारे पैकेज इन्हेंसमेंट पैकेज हैं, लाइक इन्हेंसमेंट पैकेज 6, इन्हेंसमेंट पैकेज 7, इन्हेंसमेंट पैकेज 8. तो मोस्टली कंपनियां जो हैं इन्हेंसमेंट पैकेज 7 यूज करती हैं, और हम भी जो है जो सीख रहे हैं वो इन्हेंसमेंट पैकेज 7 पर सीख रहे हैं. ECC 6.0 के वर्जन में EHP 7 पर जो है सीख रहे हैं, ठीक है. इन्हेंसमेंट पैकेज 7 पर सीख रहे हैं. जो मेरा जो सर्वर है, ये जो मेरा सर्वर है SAP का वो EHP 7 है, ठीक है. कौन सा है EHP 7 इन्हेंसमेंट पैकेज 7. नेम ECC SAP ECC 6.0, ठीक है. ये इन्हेंसमेंट पैकेज 7 है, EH7, ठीक है. लॉग ऑफ, यस, राइट. ये सिस्टम की डिटेल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ए क्रिस्टल क्लियर हेयर, ठीक है. नोट्स में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके लिए बनाए गए हैं, काफ़ी मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं. तो आप अगर लेक्चर्स भी समटाइम्स अगर नहीं कर पाते हो, डायरेक्ट अगर जंप करते हो नोट्स पे और तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, तो भी मैं श्योर करता हूँ कि आप लोग कर लोगे. हाउ टू व्यू द सिस्टम डिटेल, मेन्यू बार सिस्टम एंड क्लिक ऑन द स्टेटस, यू विल सी दिस. हेयर इज द ऑल द इंफॉर्मेशन. 800 यूजर इज एडमिन. ओके, आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट. तो देखो इस चीज का ध्यान रखना है यार. मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको SAP बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है, पर आपको
मेहनत कर रही हूँ, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, बहुत अच्छा पोजीशन आपको SAP विद इन लिमिटेड टाइम जो है आपको दिला सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आपको मैंने 3 बातों का ध्यान रखना होगा। क्या सर? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ जी, ठीक है। सो SAP S4 हाना, क्या डिफरेंस होता है SAP S4 हाना? इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि SAP S4 हाना में और ECC 6.0 में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो क्या होता है कि देखो, आज के टाइम पे मोस्टली सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो जो SAP S4 हाना है वो एक अपडेटेड वर्जन है, और इसके अंदर जो है हम जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको लिंक कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, जैसे कि मोबाइल के साथ, टैबलेट के साथ, लैपटॉप के साथ। सो ये एक सबसे अच्छा जो कह सकते हो कि एडेड एडवांटेज है ECC से S4 HANA में। और भी एडवांटेज हैं, पर मेन एडवांटेज यही है कि इसमें जो है डिजिटलाइजेशन हो गया SAP का, SAP S4 HANA में। और कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं डायरेक्टली HANA सीख लूँ, क्योंकि इन डिमांड आज के टाइम पे HANA है, ECC 6.0 तो पुराना हो गया है। तो यार नहीं सीख सकते हो आप, नहीं सीखने का मतलब कि देखो फाउंडेशन है आपका ECC 6.0, तो आपको पहले फाउंडेशंस तो बनानी होगी, नहीं तो अदरवाइज। हाँ, ग्लोबल सर्टिफिकेशन पास कर सकते हो डायरेक्टली S4 HANA, पर अगर आपके यार फाउंडेशंस नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि यार बिना फाउंडेशंस के आप कर पाओगे, क्योंकि SAP ECC 6.0 जो है फाउंडेशन है, उसके बाद आप HANA सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जान लेते हैं कि आपकी देखो जॉब कहाँ लगती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में आपकी जॉब लगती है। मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जॉब लगती है, इससे SAP से आफ्टर बीइंग अ फंक्शनल कंसल्टेंट, आपकी जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जॉब लगती है और सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी जॉब लगती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा में आपकी जॉब लग गई, टाटा में जॉब लग गई, और ITs कंपनी जो होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक आपकी विप्रो में जॉब लग सकती है, सारी जितनी भी इन्फोसिस है, IBM है, एसेंचर है, कैपजेमिनी है, भी कहीं भी जॉब लग सकती है, ठीक है। और अच्छी सैलरी पैकेज पर जो है जॉब लगती है, ठीक है। बस आपको एकदम बाय हार्ट जो है सीखना है कोर्स को, ठीक है। तो जैसे कि अब सॉफ्टवेयर टीम क्या होती है, सॉफ्टवेयर टीम जैसे कि आप लेट सपोज कि भेल है, ठीक है, भेल कंपनी है, उसको जो है SAP पर जाना है, SAP ERP पर जो है जाना है। लेट सपोज कि राइट नाउ वो ओरेकल यूज़ कर रही है, उसको SAP पर स्विच करना है, तो वो क्या करेगी, वो जो है इन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करेगी लाइक इन्फोसिस, IBM, कैपजेमिनी, एसेंचर एक्सेट्रा, बहुत सारी जो IT कंपनीज हैं उनको वो कॉन्टैक्ट करेगी। लेट सपोज कि अगर आपको TV खरीदना है, TV परचेज करना है या लैपटॉप परचेज करना है, तो आप तुरंत तो जाके एक शॉप पे जाके तुरंत तो नहीं परचेज कर लेते हो, आप ऑनलाइन भी चेक करते हो, आप बहुत सारी शॉप्स पे जाके विजिट करते हो कि कौन मेरे को एकदम राइट प्राइस पर दे रहा है, कौन जो है मिनिमम प्राइस पर दे रहा है, तो आप ये सब चेक करते हो। ऐसे ही जैसे कि भेल कंपनी है, उसको जो है SAP पर स्विच करना है, तो वो इन्फोसिस से कॉन्टैक्ट करेगी, IBM से कॉन्टैक्ट करेगी, कैपजेमिनी से कॉन्टैक्ट करेगी, एसेंचर से कॉन्टैक्ट करेगी, विप्रो से कॉन्टैक्ट करेगी, सो वो सारे NITs कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगी। तो लेट सपोज कि इन्फोसिस ने कॉन्टैक्ट दिया 10 करोड़ का, IBM ने कॉन्टैक्ट दिया 8.5 करोड़ का, कैपजेमिनी ने दिया 12 करोड़ का, और एसेंचर ने दिया 15 करोड़ का, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड और देयर प्राइस बजट वो जो है एक किसी IT कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, लेट सपोज कि भेल ने जो है कैपजेमिनी को सेलेक्ट कर लिया, तो कैपजेमिनी क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर टीम बनाएगी फॉर भेल। सॉफ्टवेयर टीम क्या होता है, उसके अंदर होता है डिलीवरी मैनेजर, ये सबसे ऊपर की हायरार्की होती है, सबसे ऊपर की पोजीशन, सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है डिलीवरी मैनेजर, ही इज़ अ बिग बॉस, ये बिग बॉस होता है।
ठीक है, तो एक डिलीवरी मैनेजर होगा, उसके नीचे मैनेजर होंगे, उसके नीचे प्रोजेक्ट लीड होंगे जो पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, उसके नीचे फिर मॉड्यूल लीड होंगे। लेट सपोज कैपजेमिनी ने भेल के लिए 50 मेंबर्स की टीम, सॉफ्टवेयर टीम बनाई, तो एक अगर सपोज डिलीवरी मैनेजर है, 3 मैनेजर हैं, लेट सपोज कि 5 प्रोजेक्ट लीड हैं, 10 या 15 मॉड्यूल लीड हैं, मॉड्यूल लीड जैसे कि आपका एमएम मॉड्यूल है, तो उसमें भी तो एक बंदा लीड करेगा ना। जैसे कि आपकी टीम के अंदर 10 बंदे हैं लेट सपोज जो एमएम मॉड्यूल के हैं, तो उनमें भी तो एक ऐसा होगा ना जो कि पूरे मॉड्यूल को लीड करेगा। ऐसे एसडी में होगा, ऐसे एफआईए में होगा, सारे फंक्शनल कंसल्टेंट का मॉड्यूल लीड होगा। उसके नीचे आता है सीनियर कंसल्टेंट, उसके नीचे आता है एसोसिएट कंसल्टेंट। और जब आप किसी भी कंपनी में जाकर ज्वाइन करोगे तो आप एज एसएपी फ्रेशर, एसएपी ट्रेनी की तरह जॉब करोगे, उसके बाद आप एसोसिएट कंसल्टेंट बनोगे, फिर आप सीनियर कंसल्टेंट बनोगे, फिर आप मॉड्यूल लीड बनोगे, फिर आप प्रोजेक्ट लीड बनोगे, फिर आप मैनेजर बनोगे, फिर आप डिलीवरी मैनेजर बनोगे। और क्या बताऊँ कि यार इसकी जो सैलरी होती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आपकी किसी अच्छी आईटी कंपनी में जॉब है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इसकी सैलरी कितनी होगी, राइट? ये बिग बॉस है भाई, और इनका मैक्सिमम काम तो वर्क फ्रॉम होम ही होता है। मैक्सिमम कंपनीज वर्क फ्रॉम होम देती हैं, ठीक है। अब देखो, हम पिक्चर से समझ लेते हैं। एसएपी कंसल्टेंट प्रोग्रेस इन अ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, 0 to 2 years में अगर आप जाओगे तो एक जूनियर कंसल्टेंट बनोगे, उसके बाद अगर आपको 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 से 5 साल का, तो आप कंसल्टेंट बनोगे। ये सारे उसके वर्क हैं, क्या क्या आपको काम करने होंगे, प्रोग्रामर्स के साथ काम करना होगा, इंडिपेंडेंटली हैंडल करना होगा कॉन्फ़िगरेशंस को, सीनियर कंसल्टेंट के साथ काम करना होगा। जब आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाओगे, तो आपको 8 से 12 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाओगे, आपको अगर 12 से 15 साल का हो जाएगा तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे, 15 से 20 का होगा तो प्रोग्राम मैनेजर बन जाओगे, एंड लाइन एट लास्ट डिलीवरी हेड बन जाओगे, डिलीवरी मैनेजर। तो सम केसेस में ये कम भी होता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने टैलेंटेड हो, कैसे वर्क कर रहे हो कंपनी में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उसके बाद आता है अपना सबसे फेवरेट टॉपिक, स्टूडेंट धर्म। क्या करना है आपको, दोबारा से लेक्चर को वॉच करना है, रिवाइज करना है, रिटेन करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, और 10 बार प्रैक्टिस करना है, और स्क्रीनशॉट्स उसके मेरे को आपको भेजने हैं ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ आप जो है लेक्चर को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव कोचिंग्स, एंड अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो यार अल्टीमेटली मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को नहीं, मेरे को डेली जो है 2 lectures अपलोड करने हैं। मेरे को एक अंदर से इनर मोटिवेशन आएगी कि यार नहीं यार मुझे करने हैं उनके लिए मुझे करने हैं। तो आई होप आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। और मेरा चौमू स्टूडेंट, शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, मेरा एक स्टूडेंट है चौमू, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई बोलो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।